गंगादास जी के स्मृति में आयोजन हो रहा है। गांव देहात में हमेशा परंपरा रही, संत गंगादास जी का 1857 के क्रांति में जन जागरण में बड़ी भूमिका थी, योगदान था। साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम उन्होंने किया, सब प्रथम हमारे लेखक रहे इस क्षेत्र के, गांव देहात से जुड़े हुए। पैदाइशी उनकी यहाँ हुई, लेकिन उन्होंने बहुत तपस्या करी, बनारस काशी में, राजस्थान में भ्रमण किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने भ्रमण किया। उनकी बहुत इज्जत और सम्मान अभी भी इस क्षेत्र के लोग, उत्तर भारत के लोग करते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ गाँव के लोगों को, और कुश्ती का दंगल और उस तरीके से हमारे बच्चों को, नौजवानों के अंदर अच्छी ऊर्जा पैदा करना, संस्कार पैदा करना, सामाजिकता से जोड़ना, ये हमारी परंपरा रही है। तो मैं कुश्ती देखने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। हम लगातार देख रहे हैं आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं अपनी सांसद नीति से, उनके लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं, भविष्य में क्या क्या योजनाएं आप इस तरीके के लेकर के? मुझे खुशी है कि भारत एक बड़ा केंद्र बिंदु बन रहा है खेल के आयोजन में। कल से स्पोर्टिंग एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जहां वर्ल्ड के चैंपियंस करनी शूटिंग रेंज दिल्ली में प्रतियोगिता में शामिल होने आ रहे हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नवंबर में दिल्ली में होने जा रहा है। ओलंपिक्स में भी 2036 में भारत सरकार कोशिश कर रही है कि भारत को बिड मिले। तो इस तरह के आयोजन होते हैं, लोग देखने जाते हैं, नौजवान कुछ सीखते हैं और एक नई पीढ़ी खिलाड़ियों की तैयार हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मंत्रालय ने भी इसमें पहल की है, एनएसडीसी ने, जो हमारे पैरा एथलीट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं, उनको हमने एक समिति में सह सम्मान जोड़ा, और प्रीति पाल जी जो दो मेडल जीत के आई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मीरापुर गांव से, क्षेत्र के गांव से आती हैं, और दो मेडल उन्होंने जीते, उनको हमने अपने एनएसडीसी ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एम्बेसडर बनाया। इस तरह से जो हमारे आइकॉन्स हैं, जो जिन्होंने अच्छी जो क्षमता के अनुरूप काम किया है, उपलब्धियां हैं जिनकी, उनको समाज में एक आइकॉन की तरह हम पेश कर रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान जानते हैं कि पूरे देश में पहली एक स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट भी बहुत बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरदना क्षेत्र में उसका भी जो निर्माणाधीन है उसको भी हम लोग गति देने की कोशिश करेंगे। आपने सर नाम लिया अभी मीरापुर क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है, आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, अच्छा प्रदर्शन एनडीए का रहा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं? अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गति बनी रहेगी। आज हम दंगल देखने आए हैं और अभी 10 चुनाव यूपी में होगा, वो दंगल है, पूरी हम मेहनत करेंगे और मेहनत होगी, जनता के अदालत में फैसला रखा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।